वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं हूँ हिमाचल में। जी हाँ, हिमाचल में। तकरीबन आधा घंटा पहले मैं अपनी बाइक पे निकला था घर से, आधे घंटे बाद मैं अभी पहुँच चुका हूँ हिमाचल बॉर्डर पर। हिमाचल बॉर्डर मैंने अभी भी क्रॉस किया है। आज मंडे है और मेरी छुट्टी है एक तरह से। मैंने आज ऑफ रखा था और सोचा था घूमने चलेंगे फैमिली के साथ, और मैंने घर पे बात भी की कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन घर वाले थोड़ी सुस्ती डाल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले ही निकल जाते हैं। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो फोगी हो गया सारा, सामने पहाड़ है, खास नजर नहीं आ रहा, बहुत फोगी है वेदर, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो। यहाँ से ये रोड परमाणु होते हुए कसौली जाती है, तो मैं इसी रोड पे अभी जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ परमाणु में और यहाँ पे पेट्रोल मैंने डलवा लिया है, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे पेट्रोल मिलना मुश्किल होता है। मुझे घर से निकले तकरीबन एक घंटा हो गया और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैली का नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है। इस रास्ते से कसौली जाने का ये फ़ायदा कि यहाँ पे रश नहीं होता, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, रोड खाली है और यहाँ से मुझे पूरा हरा हरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो सारे में हरियाली है, पेड़ पौधे आए हुए हैं। ये वैली है, बहुत अच्छा है। पीछे आप देख सकते हैं कि फोग आ चुकी है पूरी, बादल आ चुके हैं। 5 मिनट मैं यहाँ पर रुकूंगा, 5 मिनट मैं इस आबो हवा का मज़ा लूंगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आप भी थोड़ा सा मज़ा लीजिए। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो है। एक्चुअली कसौली में जाके शायद इतना मज़ा ना आए जो यहाँ नेचुरल वादियों में मज़ा आ रहा है। यहाँ शांति में जो मज़ा आ रहा है ना, वो मज़ा शायद कसौली में ना हो, पर मैंने कसौली तो जाना ही है और आपको भी कसौली दिखाना है कि वो देखने में कैसा है। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है, रास्ते में अगर कुछ मिलता तो खाते हैं या फिर कसौली जाके खाने को मिल ही जाएगा। तो चलिए आगे का रास्ते का मज़ा लीजिए। थोड़ा सा आगे जाने पे मुझे बहुत खूबसूरत जगह दिखी है, वहाँ पे पानी बह रहा है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। खाली जगह है, कोई नहीं है यहाँ पे, पानी की आवाज़, पानी और सन्नाटा, हरियाली, वाह 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 वाह। आप भी थोड़ा मज़ा लीजिए। पानी के झरने का मजा ले लिया, अब आगे चलते हैं। मौसम एकदम से बदल गया है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। वैसे दोपहर का टाइम है लेकिन अंधेरा हो रहा है, कि सारा फोगी हो गया, बादल ही बादल हो गए हैं। हवा ठंडी चल रही है, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। कसौली 8 किलोमीटर रह गया। वैसे तो कसौली में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसे मौसम में कभी नहीं आया और बाइक से भी कभी नहीं आया, तो ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कितना मज़ा आ रहा है। आप भी व्यू का एंजॉय तो कर रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ की खुशबू है और जो यहाँ का वेदर की ठंडक है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो आप नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी बारिश हो सकती है और 10 मिनट का रास्ता रह गया है। बारिश होने से पहले अगर मैं कसौली पहुंच जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है।
फॉग इतनी ज्यादा हो गई है कि सामने ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही है और रास्ता भी मुश्किल से नजर आ रहा है। मैंने स्पीड बहुत स्लो कर ली है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं 20 की स्पीड पे, फिर भी बहुत ध्यान से बाइक चलानी पड़ रही है। मजा तो बहुत है लेकिन डर भी लगता है। तो फाइनली कसौली पहुंच गया हूँ, यहाँ पे एंट्री की टिकट लगती है 50 रुपये। थैंक यू। फाइनली कसौली पहुंच चुका हूं, अभी मेन बाज़ार की तरफ जा रहा हूं। बाइक मैंने पीछे लगा दी है, पार्किंग की थोड़ी सी यहां पे प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे लगी है भूख, सबसे पहले खाना ढूंढता हूं। ये यहां का मेन बाज़ार है लेकिन बाज़ार की काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं, मोस्टली दुकानें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने वाली खुली हैं। अंकल के पास सिर्फ मोमोज हैं लेकिन मोमोज मुझे पसंद नहीं है, ये कह रहे हैं कि नूडल्स भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी स्पाइसी कर देना। शॉप से खाया। अंकल आपका क्या नाम है? ताशी। ताशी, तो ताशी है इनका नाम और टेस्ट ऑफ तिब्बत इनकी शॉप का नाम है। बहुत ही बढ़िया थे। आज मंडे है इसलिए मोस्टली मार्केट बंद है। आगे जाके एक छोटा बाजार है, पुराना बाजार है, वहां जा रहा हूँ, देखता हूँ मार्केट खुली है नहीं खुली है। आप लोगों ने देख ली कितनी खूबसूरत है, और जो सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कसौली में वो है यहाँ का चर्च। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ इसके शॉट्स लेता हूँ, होपफुली आपको अच्छे लगेंगे। कसौली की सैर हो चुकी है, चर्च के नज़ारे भी आपने देख लिए, बाज़ार का नज़ारा भी देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त सोनू जी मिले हैं, सोनू जी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। इनका यहाँ पे टैक्सी का काम है और मैं इनका नंबर दे दूंगा वीडियो के नीचे। अगर किसी को यहाँ आसपास घूमना है, टैक्सी वगैरह चाहिए, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन भी ये दे देंगे। सोनू भाई, आप कहाँ कहाँ मतलब लेके जाते हो, सर्विसेज कहाँ कहाँ देते हो? कसौली के अलावा यहाँ पे शिमला है, चायल है और साधुपुल है, सभी गाड़ियाँ मिल जाएगी, मेरा फैमिली बिजनेस है। तो आप चलने लगे हैं पंचकुला, वापसी का आप रास्ता एंजॉय कीजिएगा। जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, जाने के लिए मैं दूसरा रास्ता चूज कर रहा हूँ जो धर्मपुर होके जाता है, शिमला हाईवे, वहाँ से पंचकुला जाऊंगा। फोटो खींचने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। वो नीचे अगर आप देखो, वो नीचे सड़क जा रही है ऐसे 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 ऐसे। अभी उस रोड से मुझे जाना है।